दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022-23 का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया है। आप चाहे तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपके फोन में एक आईडी और पासवर्ड दिया जाता है एंड जब आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाके लॉग इन करते हैं, तो दोस्तों फाइनल सबमिट करने से पहले आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आपका आय वासी जाति को अपलोड करना पड़ता है, आपका मार्कशीट को अपलोड करना पड़ता है एंड उसके साथ साथ फी रिसीट वगैरह भी अपलोड करना पड़ता है। एंड दोस्तों, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है जिसका नाम है बोना फाइड सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप बोना फाइड सर्टिफिकेट को कैसे बनवा सकते हैं। फ्रेंड्स, बोना फाइड सर्टिफिकेट को आप दो तरीके से बनवा सकते हैं, एक कॉलेज के द्वारा बनवा सकते हैं एंड एक खुद से भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि आप कॉलेज से अपना बोना फाइड सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप उस कॉलेज में जाएंगे जहां आपने एडमिशन लिया है। जैसे अगर आपने 2022 में मैट्रिक पास किया है तो आपने 2022 में इंटर में एडमिशन लिया होगा, ठीक है। तो आप जिस कॉलेज में या फिर जिस स्कूल में आपने एडमिशन लिया है वहां एक बार जाएंगे एंड वहां पे आप जाके प्रिंसिपल से मिलेंगे या फिर कोई और स्टाफ होगा वहां का, तो उनसे आप बोलेंगे मुझे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है एंड उसके लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो आप मेरे लिए एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना दें। तो दोस्तों, अगर आपका कॉलेज थोड़ा फेमस है या फिर हर चीज में वो लोग अपडेटेड रहते हैं तो आपको आसानी से आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। एंड दोस्तों, इन केस अगर आपका कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना के नहीं दे रहा, वो समझ ही नहीं पा रहे कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता क्या है, तो आपको उस केस में क्या करना है यहाँ पे आप समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम को ओपन करेंगे एंड आप इसमें सर्च करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बोनाफाइड सर्टिफिकेट PDF। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे एक फर्स्ट लिंक दिखेगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट का। इसमें आप देख सकते हैं उसमें जो वेबसाइट का नाम है visualsolution.com होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बोनाफाइड का स्ट्रक्चर होगा वो डाउनलोड होके आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो मैं इसका लिंक में आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको प्रिंसिपल के पास जाके इस PDF को ओपन करना है एंड PDF ओपन करने के बाद आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज लिखा हुआ है, देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी प्रिंटेड ऑन ऑफिशियल लेटर पैड ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट। तो आपको ये प्रिंसिपल को दिखाना है कि सर मुझे कॉलेज का लेटर पैड का बहुत ही जरूरत है, तो आपको उनसे कॉलेज का लेटर पैड मंगा लेना है एंड किसी भी साइबर कैफे में जाके इस PDF को उस लेटर पैड पे प्रिंट कर लेना है। तो दोस्तों, ऐसे आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा एंड उसी समय आपको यहाँ पे कॉलेज का साइन एंड मोहर यहाँ पे करवा लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑथोराइज्ड सिग्नेचर विद स्टैंप। तो आपको यहाँ पे कॉलेज का साइन मोहर करवा लेना है एंड उसके बाद इस फॉर्म को पूरा फिल करके पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के ऑफिशियल पोर्टल पे लॉगिन करके इस PDF को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आप कॉलेज से कैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका कॉलेज में ना ही लेटर पैड है ना ही बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप उस केसेस में आप खुद से बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जो सिर्फ जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण एरिया रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं एंड वो लोग ये सब के बारे में अपडेटेड नहीं रहते हैं। मैंने काफी बार ये प्रॉब्लम फेस किया क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। तो दोस्तों, मैंने कैसे अपना बोनाफाइड खुद से बनवाया एंड खुद से अपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पोर्टल पर जाके अपलोड किया एंड मेरा स्कॉलरशिप आ भी गया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको ये सब चीजें कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये जो PDF आपको मैंने बताया है डाउनलोड करने के लिए, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आप नेट पे भी सर्च करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसे डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर ओपन करना है। सॉफ्टवेयर कौन सा ओपन करेंगे, किसी भी प्रकार का एक सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं जिसमें आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो PC होता है जिसमें सभी में वर्ड जरूर होते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वो सभी PC में होते ही है, तो आपको ये ओपन कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे ओपन हो गया है। इसे ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको ऊपर में हेडिंग में अपना कॉलेज का नाम टाइप करना है। वो आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे हिंदी में टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मेरा स्कूल का नाम है राम सहाय हाई स्कूल।
स्कूल फतेहपुर। दोस्तों अपना स्कूल का नाम टाइप करने के बाद आपको इसे सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से इसका फॉन्ट साइज को बढ़ा लेना है जितना हो सके। आपका हेडिंग में कम से कम ये मतलब फिट बैठ जाए आपको उतना बढ़ा लेना है एंड इसको आप अगेन सिलेक्ट करके कंट्रोल ए से यहाँ पे सेंटर में कर लेंगे बीच में, ठीक है। एंड दोस्तों स्कूल का नाम टाइप करने के बाद आप नीचे से इंटर करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे, ठीक है। नीचे में आपको स्कूल का एड्रेस को फिल करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे एड्रेस फिल करता हूँ पता। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पता है काफी बोल्ड लग रहा है, तो इसे हमें बोल्ड नहीं रखना है, इसे हमें जो सिंपल वर्ड में रखना है जैसे कि छोटा ऐसा एंड सिंपल में, ठीक है। तो आपको ये फॉन्ट को चेंज कर देना है अपने अकॉर्डिंग एंड इसे आप थोड़ा स्मॉल कर देंगे एंड इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं बीच में कुछ ज्यादा ही गैपिंग नजर आ रहा है तो इसे आप कम कर देंगे। यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा एंड इसके बाद भी आप 1.0 करेंगे तो उससे भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा स्कूल का नाम एंड इसका एड्रेस मैंने टाइप कर दिया। दोस्तों ये सब चीजें आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, किसी में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्ड में एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आप चाहें तो मोबाइल में भी कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल में करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो मैं आपके लिए मोबाइल का भी एक ट्यूटोरियल बना के आपको बता दूंगा। एंड दोस्तों इसके बाद पता लिखने के बाद अगर आपका कॉलेज का कोई डाइस कोड है तो हर कॉलेज का होता है तो यहाँ पे आप डाइस कोड भी यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। सो फ्रेंड्स ये सब टाइप करने के बाद आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल टाइप का बनाना है तो यहाँ पे आप हेडिंग को यहाँ पे रेड कलर में कर सकते हैं और इसको आप ब्लू कलर में कर सकते हैं, आप जिस भी कलर में करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टाइप भी कर दिया एंड कलर भी कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन खींच देना है, किसी भी प्रकार कोई लेटर पैड होगा चाहे डॉक्टर का हो या फिर किसी भी स्कूल का होगा तो उसमें एक लाइन यहाँ पे खींचा हुआ होता है तो आप लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे इंसर्ट के एक ऑप्शन दिखेगा ऊपर में, उस पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आप शेप में जाएंगे। शेप में जाएंगे तो आपको यहाँ पे लाइन का ऑप्शन दिख जाएगा तो आपको सिंपली इस लाइन पे क्लिक करना है। दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पे यहाँ जो लास्ट शुरू हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइनिंग है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे, प्रेस शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। शिफ्ट का बटन प्रेस करने से आप चाहे जैसे भी ले जाएं ये सीधी लाइन जाती है, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके आपको यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच देना है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा लाइन खींचा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा लाइन जो है काफी पतला है तो आप इसे मोटा करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन दिखेगा शेप आउटलाइन का, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा वेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे मेथड है। यहाँ पे 3.54 में अभी मेरा 3x4 पॉइंट में है तो मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैं यहाँ पे इतना बोल्ड कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स ये सब करने के बाद आप उस पीडीएफ को जो आपने डाउनलोड किया था आप उसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐसे खींच करके वर्ड में लेके आ जाएंगे, ठीक है, वर्ड में लाके यहाँ पे छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी आपका जो ये फॉर्मेट है ड्रैग नहीं हो रहा, मैं इसे खींच करके इधर ले जा रहा हूँ तो जा ही नहीं रहा, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, देखेंगे बहुत मुश्किल से जा रहा है। तो आपको सही ढंग से ले जाने के लिए सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इस पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट रैप का, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख जाएगा बिहाइंड टेक्स्ट, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप मुझे अब मैं इस पीडीएफ को जहाँ ले जाना चाहूँ जैसे ले जाना वो जा रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। सो फ्रेंड्स अब आपको इस पीडीएफ को आपको सेट कर लेना है इसके पेज पे, पेज के नीचे, मतलब यहाँ तक जो आपने मैंने टाइप किया है इसके नीचे आपको इसे सेट कर लेना है। सेट करने के लिए आपको यहाँ पे कॉर्नर से ऐसे ड्रैग करना है तो देखेंगे आपका लगभग सेट हो गया, आप ऊपर जाएंगे, आप सही ढंग से इसे सेट कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ वैसे आपको सेट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली सेट कर दिया अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट को। इसे सेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक चीज और टाइप करना है, ठीक है। टाइप आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे डेट तो मेंशन किया गया, डेट के अलावा यहाँ पे आपको एक सीरियल नंबर एसआर नंबर जो होता है वो भी यहाँ पे टाइप करना है। तो आपको यहाँ पे सिंपली अपने फॉन्ट को इंग्लिश में कर लेना है एंड यहाँ पे एसआर नंबर सीरियल नंबर जो होता है उसे टाइप कर लेना है और इसके फॉन्ट को इसके अकॉर्डिंग डेट जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप छोटा कर लेंगे, थोड़ा छोटा बड़ा भी होगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसे क्यों टाइप किया, क्योंकि जब आप पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको उसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट के जगह पे वहाँ पे क्रमांक संख्या पहुंचा जाता है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एक क्रमांक संख्या लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4 जितना भी लिखना है वो लिख देंगे। अगर आप कॉलेज से लेते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है, वो कॉलेज अपना डायरी के अकॉर्डिंग लिखता है, जितना स्टूडेंट्स को देता है उसके अकॉर्डिंग लिख के देता है। लेकिन आपके केस में आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे अपने मन से कुछ भी एक नंबर लिख लेना है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको ये जो मैंने यहाँ
यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार किया है, इसे आपको प्रिंट कर लेना है। ठीक है, प्रिंट कर लेंगे एंड प्रिंट होने के बाद आप अपना कॉलेज या स्कूल जाएंगे, जिस भी आप कॉलेज में एडमिशन लिए हैं वहां पे आपको यहाँ पे सिर्फ सिग्नेचर और मोहर करवा लेना है प्रिंसिपल से। ये तो सभी कॉलेज में हो जाएगा, साइन एंड मोहर हर कॉलेज में हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट को तैयार कर लेना है। इसे तैयार करने के बाद आप इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट को एक प्रिंट और एक पेज पे एक प्रिंट करके निकाल लेंगे। प्रिंट होने के बाद आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे, मतलब आप अपने कॉलेज में जाके अपने प्रिंसिपल से इसमें साइन एंड मोहर करवा लेंगे। साइन एंड मोहर तो हर कॉलेज में हो जाता है, वो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, एंड इसी प्रकार के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड जय हिंद जय भारत।